चीफ साहब से पूछा, कहते हैं कि नहीं ये सब कौन बोला है, गलत बात है, सब कुछ नहीं हुआ ऐसा, हमें नहीं हुआ है, आप गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं आप लोग, नहीं बात तो वो बोलते तुमको जहाँ जाना है जो करना है आपको कर सकते हैं। 9 लाख की उगाही में एक भी ईंट नहीं लगा है यहाँ पर, और सीधे के सीधे घोटाला है जी। इसमें हम लोग को भरोसा नहीं कि BDO साहब और DM साहब, DDC साहब ये सब क्या कर रहे हैं, ये योजना चला रहे हैं कि घोटाला बात कर रहे हैं। करता हूँ जी कि जो भी इस तरह के दोषी हैं, जो भी इस काम में सम्मिलित है, वह सब के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार इसके लिए कोई ठोस से ठोस और अन्य जनप्रतिनिधि को जानकारी मिलती है, मुखिया जी, सचिव जी, अन्य जो भी इसमें अधिकारी हैं, वह सब मिली भगत करके अपना राशि की निकासी कर लेते हैं और बंदरबांट कर लेते हैं। आए? हम भागल जरूरत पर बुआई थी, अरे कोई सहारा है ना, ईटा उठा ना गिरल है, कार्रवाई होना चाहिए। हाँ घोटाला खाता है तो उसको कार्रवाई करिए, कार्रवाई कीजिए, नहीं बालू गिरा है, नहीं रोड़ा गिरा है, नहीं ईटा गिरा है, फरदानी है। पहसोल की जनता के लिए जो ना दुर्भाग्य की बात है, जो अगर फंड आया 9.5 लाख के करीब का और इस पर काम नहीं हुआ तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। वार्ड नंबर बने हैं, इसके बाद भी मुखिया जी बोलते हैं कि वार्ड नंबर क्या है, कुछ नहीं है। यानी वार्ड मेंबर से कोई भी कार्य के लिए पूछा नहीं जाता, नहीं, कुछ फोन भी नहीं किया जाता है पूछने की बात। नमस्कार, मेरा नाम राजीव है और आप देख रहे हैं AY24 न्यूज। इस वक्त हम खड़े हैं कटरा प्रखंड के पासौल पंचायत में, जहां के कब्रिस्तान में सबदाह गृह के नाम से 9,42,472 रुपए का निकासी अवैध तरीका से कर लिया गया है, और हम आपको दिखा रहे हैं कि इस कब्रिस्तान में एक भी ईंट नहीं है उस योजना के नाम से, फिर भी लगातार इस योजना के नाम से पैसे निकासी हो चुका है। 9,42,472 रुपए का निकासी हुआ है कब्रिस्तान में सबदाह गृह बनाने के नाम से, और इस कब्रिस्तान में उस योजना के अंतर्गत में एक भी ईंट नहीं गाड़ा गया है। यहाँ पर पसौल पंचायत के उप मुखिया जी हैं, हम उनसे बात करना चाहेंगे जी। आपका नाम? मोहम्मद शाहनवाज। इस योजना के तहत में ये कब्रिस्तान जो है पहसौल पंचायत का है, और इसमें सबदाह गृह बनाना था 9,42,472 रुपये का, तो क्या यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ, और आप लोगों को ये पता कब चला? जब हम लोगों को किसी तकनीक सहायक से पता चला तो हमने पहले सचिव साहब से पूछा कि सचिव साहब हमारे यहाँ पैसा निकासी हुआ है सबदाह गृह के नाम पर, तो वो हमसे कहते हैं कि नहीं ये सब कौन बोला है, गलत बात है, सब कुछ नहीं हुआ ऐसा, हमें नहीं हुआ है, आप गलत कर रहे हैं, चोरी कर रहे हैं आप लोग, नहीं बात तो वो बोलते तुमको जहाँ जाना है जो करना है आपको कर सकते हैं, आप जो करना है कीजिए, आप कहीं भी जाइए, कहीं भी जाइए। हाँ। तो आप सुन सकते हैं कि ये पहसौल पंचायत के उप मुखिया है, जब इन्होंने शिकायत किया तो इनको बोला गया कि आपको जहाँ जाना है वहाँ जाइए, आप हमारा कुछ नहीं कर सकते हैं। और यहाँ पर आप देख सकते हैं कि 9,42,472 रुपए का निकासी इसी कब्रिस्तान में सबदाह गृह बनाने के नाम से हुआ है, और एक ईंट क्या यहाँ पर कुछ भी उस योजना के नाम से नहीं हुया है। इस वार्ड के वार्ड मेंबर जी कौन है? सारे वार्ड मेंबर है। आपका नाम? मेरा नाम राम सहनी, वार्ड सदस्य 15 जी। मैं ये कहना चाहूँगा इस चैनल के माध्यम से कि इस 9.5 लाख की उगाही में एक भी ईंट नहीं लगा है यहाँ पर, और सीधे के सीधे घोटाला है जी। इसमें हम लोग को भरोसा नहीं कि BDO साहब और DM साहब, DDC साहब ये सब क्या कर रहे हैं, ये योजना चला रहे हैं कि घोटालाबाज कर रहे हैं, इस पर उचित कार्रवाई किया जाए और दोषी को किसी वार्ड को जो है इसमें मानता नहीं देता है, बिना ग्राम सभा बिना कार्यकारिणी के ही ये सब योजना चल रहा है। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ के जो वार्ड मेंबर है बिना आम सभा ग्राम सभा के ही योजना पारित कर दिया जाता है, और अंदर ही अंदर पैसा का गबन कर लिया जाता है। यहाँ के जो ग्रामीण हैं, जो कुछ युवा हैं, जो जागरूक हैं, जो ऑनलाइन वेबसाइट पर योजना की जानकारी लिए और उसके बाद जो है ग्रामीण को इस योजना की जानकारी हुई कि यहाँ के जो कब्रिस्तान है उसमें सबदाह गृह बनना था 9,42,472 रुपए का, लेकिन एक रुपए का भी काम इस सबदाह गृह के नाम से इस कब्रिस्तान में नहीं हुआ है। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद अली है, मैं वार्ड सदस्य 9 नंबर पहसौल से बोल रहा हूं। मैं आप लोग के चैनल के माध्यम से ये कहना चाहूंगा, सरकार से मांग करता हूं जी कि जो भी इस तरह के दोषी हैं, जो भी इस काम में सम्मिलित है, वह सब के ऊपर उचित कार्रवाई होनी चाहिए और सरकार इसके लिए कोई ठोस से ठोस
और अन्य जनप्रतिनिधि को जानकारी मिलती है, मुखिया जी, सचिव जी, अन्य जो भी इसमें अधिकारी हैं वह सब मिली भगत करके अपना राशि की निकासी कर लेते हैं और बंदर बांट कर लेते हैं। इसलिए मैं सरकार से मांग करता हूं कि इनके ऊपर उचित कार्रवाई हो और ऐसे दोषी जो भी हैं इस तरह के अधिकारी उन पर कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो आपने देखा कि यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं, वार्ड मेंबर हैं, वो सख्त से सख्त कार्रवाई करने की मांग कर रहे हैं। और यहाँ पर कुछ और लोग हैं जिनका बयान हम आपको सुनवा रहे हैं। चाची प्रणाम, आपका नाम? हमरोला देवी नाम है। तो यहाँ पर जो है कब्रिस्तान में शवदाह गृह बनना था 9,42,472 रुपए से, और पैसा का निकासी हो चुका है लेकिन यहाँ पर एक ईंट भी नहीं गड़ा है। आप क्या बोलना चाहेंगे? हमारा तो न बेटा है न साय है, हमारा न वृद्धा पेंशन मिलल न मुसवाती मिलल है। हम भागल चौरोट पर बुआई थी, अरे कोई सहारा है? तो अभी आप यहाँ पर जो आए हैं ये कब्रिस्तान में जो है यहाँ पर शवदाह गृह के निर्माण के नाम से 9,42,472 रुपए का अवैध निकासी कर लिया गया है और यहाँ पर कुछ भी काम नहीं हुआ है, इसके बारे में आप क्या बोलना चाहेंगे? ना गिरल है, कार्रवाई होना चाहिए। हाँ होना चाहिए। तो आप सुन सकते हैं कि यहाँ के जितने भी स्थानीय लोग हैं सब सख्त कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। चाची आप बताइए क्या होना चाहिए इस पे? कार्रवाई होना चाहिए। ये जो कब्रिस्तान है यहाँ पर शवदाह गृह बनाना था, जो बारिश के समय में हो या आंधी के समय में हो या बाढ़ के समय में हो उससे जो है कि मतलब वहाँ पर जो भी जो है लाश आता है वहाँ पर रखा जाता है, लेकिन यहाँ पर योजना का 9,42,472 रुपए का निकासी हो गया है लेकिन एक भी ईंट यहाँ पे नहीं गिरा है। आप क्या बोलना चाहेंगे? हम सब मौसमात है, मौसमा हमको कोई कमाने वाला नहीं है, न मौसमाती देते हैं न वृद्धा पेंशन, आई सब पैसा कुछ घोटाला खाता है, तो उसको कार्रवाई करिए, कार्रवाई कीजिए। नहीं बालू गिरा है, नहीं रोड़ा गिरा है, नहीं ईंटा गिरा है, फरदानी है। तो आप देख सकते हैं यही वो जगह है जहाँ पे शवदाह गृह बनना था। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये बाउंड्री जो बाउंड्री वाल जो है ये बरसों पहले किया गया था लेकिन यहाँ पे शवदाह गृह के नाम से एक भी ईंट नहीं गाड़ा गया है और 9,42,472 रुपए का निकासी हो चुका है। यहाँ पर और लोग हैं जी। नाम भैया? मेरा नाम सैफ अली। क्या बोलना चाहेंगे कि यहाँ ये कब्रिस्तान में जो है शवदाह गृह बनना था और 9,42,472 रुपए का निकासी कर लिया गया लेकिन एक ईंट भी यहाँ पे नहीं गाड़ा गया, अब क्या बोलना चाहेंगे? ये तो बहुत गलत बात है, पहसौल की जनता के लिए जो है ना बहुत दुर्भाग्य की बात है। जो अगर फंड आया 9.5 लाख के करीब का और इस पर काम नहीं हुआ तो ये बहुत गलत बात है, ऐसा नहीं होना चाहिए। सरकार को चाहिए कि इस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई होनी चाहिए। तो यहाँ पे जितने भी लोग हैं सब सख्त से सख्त और कड़ी से कड़ी कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं कि कटरा प्रखंड के अंतर्गत में जितने भी पंचायत है लगभग सभी पंचायत में योजना का सत्यानाश किया जा रहा है, लेकिन हम आपको जो बता रहे हैं पहसौल पंचायत की जो ये घटना है कब्रिस्तान की, जहाँ पर ना तो योजना के तरफ से एक भी ईंट गाड़ा गया और ना ही कोई कार्य किया गया और 9,42,472 रुपये का निकासी कर लिया गया, जो बहुत ही दुर्भाग्य है। आप देखिए ये प्रमाण आपको दिखा रहे हैं, ये सब आवेदन लिखा हुआ है सर जिला से लेके प्रखंड स्तर तक। तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पर जो है हर जगह जिला से लेके प्रखंड तक में आवेदन दिया गया है लेकिन इस पर कार्रवाई नहीं हुआ है। आप लोग क्या बोलना चाहेंगे कि सरकार से मांग करते हैं कि इन जो भी भ्रष्ट अधिकारी हैं जो भी इसमें लिपित हैं सब के ऊपर कार्रवाई होनी चाहिए और हम सभी वार्ड सदस्य को इसमें मान सम्मान भी मिलना चाहिए, उनके प्रति भी ये सरकार ऐसा कोई नियम निकाले जिससे कि सभी वार्डों को भी जानकारी कोई भी योजना का होनी चाहिए। तो आप लोग चलनी बैठक होता है ना कोई आम सभा होता है? साल में एक बार भी आम सभा नहीं किया जाता? अभी तक तो आम सभा नहीं बैठक हुआ है, एक बार भी नहीं हुआ है। ठीक है, तो अपने मर्जी से योजना का मतलब चयन कर लेते हैं? चयन कर लेते हैं और काम भी कर लेते हैं। वार्ड मेंबर से भी नहीं पूछा जाता है? बिल्कुल नहीं, सारे वार्ड मेंबर है यहाँ, पूछ सकते हैं आप किसी भी वार्ड सदस्य को कोई जानकारी? आप तो उप मुखिया हैं जी, आपसे भी नहीं पूछा जाता? बिल्कुल नहीं। तो आप देख सकते हैं कि पहसौल पंचायत के जो वार्ड मेंबर हैं उप मुखिया जी हैं उनसे भी योजना के बारे में बातचीत नहीं किया जाता है और अपने मन मर्जी के हिसाब से योजना का चयन किया जाता है और अवैध तरीका से योजना के नाम पर पैसा निकासी कर लिया जाता है। पंचायत के कब्रिस्तान का हाल दिखाया जहां पर शवदाह गृह बनना था 9,42,472 रुपए का लेकिन कब्रिस्तान में हमने आपको आंखों देखा हाल बताया कि वहां पर एक भी ईंट नहीं लगा है। और उसके बाद हम पहसौल पंचायत के 15 नंबर वार्ड में है जहां पर नाला का निर्माण किया गया है और यही वो नाला है जिसका निर्माण
पसौल पंचायत के 15 नंबर वार्ड में किया गया है। आप देख सकते हैं कि ये नाला किस तरीका से बना गया है कि बरसात का पानी इस नाला से निकासी होना संभव नहीं है, और यहाँ के जो रहने वाले स्थानीय लोग हैं जो दिन प्रतिदिन घटना दुर्घटना का सामना इस नाला से कर रहे हैं। और हमारे साथ हैं पसौल पंचायत के वार्ड नंबर 15 के वार्ड सदस्य। आपका नाम? राम सैनी है मेरा नाम, वार्ड सदस्य 15 हूँ। ये नाला जो बना जी, उस समय हम लोगों को जानकारी उनकारी नहीं मिला, और पानी गांव से बाहर जाना चाहिए तो बाहर का पानी ही गांव के तरफ जो है ये नाला का जो है से लग रहा है। नाला का निर्माण जो किया गया वो पानी के निकासी के लिए, लेकिन आपका कहना है कि पानी गांव में ही आएगा? गांव में ही आएगा, उल्टा मैंने इसका लेवल किया गया है। जी जी, ये इंजीनियर साहब कैसे पास किए हैं, कैसे लेवल किए, ये तो आप लोग देख सकते हैं इस चैनल के माध्यम से। तो आप क्या कहना चाहेंगे कि ऐसे अधिकारी और ऐसे जिन्होंने काम किया है उनके ऊपर कार्रवाई होना चाहिए, उचित? किस तरह के मटेरियल का यूज किया गया है इसमें? ये 3 नंबर ईटा है, और मटेरियल तो देख ही रहा है, दिखा रहा है कि कैसा मटेरियल जो ऐसे दिया गया है। ऊपर में कुछ लगिए नहीं रहा है कि मटेरियल है, सीधे गिलावा पर जोड़ा गया है, सीधे रखा गया, ईंटा थकी मार दिया गया है। इस ईंटा को धक्का मारा जाए तो ये गिर जाएगा। तो यहाँ के स्थानीय जो ग्रामीण हैं और वार्ड मेंबर हैं उनका आरोप है कि 3 नंबर 4 नंबर घटिया ईंट से इस नाला का निर्माण किया गया है, जो कुछ दिनों के अंदर में ही ढहने भी लगा है। और यहाँ के जो स्थानीय ग्रामीण हैं उनके साथ में हर बार घटना और दुर्घटना होते रहता है, क्योंकि यहाँ पर जो है रहने वाले आसपास में बहुत सारे मकान हैं जिनको इस नाला के पार करके घर जाना पड़ता है, और बार बार इस नाला पे दुर्घटना और घटना होता है। आप देख सकते हैं कि यही वो ईंट है जो 5 नंबर 6 नंबर ये लोग बोल रहे हैं, लेकिन इनको अगर 8 नंबर और 10 नंबर कहा जाए तो वो भी सही होगा। और यहाँ के स्थानीय लोग हैं, हम उनसे भी बात करेंगे। भैया आपका नाम? तो कुछ लोग ऐसे भी हैं जो माइक के सामने में बोलना नहीं चाहते हैं। आपका नाम? मेरा नाम शाहिद अली है, मैं वार्ड सदस्य हूँ 9 नंबर वार्ड पसौल से। जी जी, मैं भी सरकार द्वारा और जितने भी आला अधिकारी है उनसे मांग करता हूँ कि ये इस तरह की जो भी योजनाएं चलाई जाती है ग्रामीण स्तर पे उसका सही से इस्तेमाल किया जाए, उस पर सही से मटेरियल जो भी होता है काम में उसको लगाया जाए, और उसका जो है सही रूप से काम होना चाहिए। और जब वार्ड सदस्य को अनदेखी किया जाता है उसकी निगरानी में भी कोई एक तरह का काम कराया जाए, ताकि वार्ड सदस्य भी गलत करेंगे अगर मुखिया द्वारा सचिव द्वारा, तो वार्ड सदस्य उसका विरोध कर सके। वार्ड सदस्य को बिल्कुल नज़रअंदाज करके ये सब काम किया जाता है, रातों रात नाला बनता है, रातों रात सारी योजनाएँ बनती है, कागजों के ऊपर सारा काम होता है, बाकी जनता के बीच कहीं कुछ नहीं दिखाई देता है ढंग से। तो इसके प्रति हम मांग करते हैं सरकार से कि सरकार इसके ऊपर उचित कार्रवाई करे और जो भी दोषी हैं उनको दंडित किया जाए। तरह से कटरा प्रखंड के अंतर्गत पसौल पंचायत में लगातार सभी योजनाओं में भारी भ्रष्टाचार हो रहा है, और लगातार अवैध पैसों का निकासी हो रहा है। आपका नाम भैया? दिलीप कुमार भंडारी हुआ। क्या बोलना चाहेंगे कि इस तरह से आपके पंचायत में जो है लगभग सभी योजनाओं में लगातार भ्रष्टाचार हो रहा है, आप क्या बोलना चाहेंगे? गलत हो रहा है, ऐसा काम नहीं होना चाहिए था, और किसी भी वार्ड नंबर का कोई वैल्यू नहीं लेते। वार्ड नंबर का कोई वैल्यू नहीं है? आम सभा होता है आपके पंचायत में? अभी नहीं हुआ सर, हम दोबारा वार्ड नंबर बने हैं। इसके बाद भी मुखिया जी बोलते हैं कि वार्ड नंबर क्या है, कुछ नहीं है। यानी वार्ड मेंबर से कोई भी कार्य के लिए पूछा नहीं जाता? नहीं, कुछ फोन भी नहीं किया जाता है, पूछने की बात कर रहे हैं। तो आप देख सकते हैं कि किस तरह से भ्रष्टाचार किया जाता है यहाँ पर। ना तो वार्ड मेंबर से पूछा जाता है, ना ग्रामीणों का आम सभा बुलाया जाता है, और अपने मन मर्जी से योजना का आवंटन करके अवैध रूपे का निकासी कर लिया जाता है। आप लोगों से आग्रह है कि इस वीडियो को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, और अभी तक अगर आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।